ज्यादा ये वाला भाग ठंडा होता है इसका। इसके बाद ये इसकी विंडो है, इसका पिल्लो है। इसके दो काम है, एक तो ये पिल्लो का काम करेगा, दूसरा किसी को अगर पिल्लो नहीं चाहिए तो ये पैडिंग का काम करेगा। इसमें हमने ज्यादा बहुत ज्यादा स्पेस रखा हुआ है, ये वाली जगह बहुत ठंडी होती है इसलिए हमने इसको नैरो किया हुआ है। इसका स्पेस यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है ज़्यादा स्पेस की, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने कम स्पेस रखा है जिससे कि हमारे हेड को हेड प्रॉपर वार्म हो सके। ये हमारी छोटी सी जीप है जिसमें आपके पास छोटा सा मोबाइल या कोई भी चीज़ होती है इसमें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर आराम से घुस के लगा सकते हैं, ऐसे लॉक हो जाएगा और ये विंडो आपकी। अगर आप तकिए लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो पैडिंग का काम करेंगे, इससे ही कंपैक्ट रहेगा। यहाँ आराम से बहुत खुला हुआ है, बिल्कुल आराम से आप सो सकते हैं। बहुत बढ़िया मोटाई देख सकते हो आप, काफ़ी फिटिंग है इसकी और काफ़ी लेंथी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फिट जो है इसकी वो है। आपकी बड़ी अच्छी आउटर लेयर जो है ये वाटर प्रूफ है और इसका इनर लेयर जो है विर्थेबल है, जो कि अंदर पसीना ना हो तो हमने बेहतरीन कपड़ा अंदर डाला है। और ये बाहर वाला वाटर प्रूफ ये वाला इसका है, ये चेन वाले पोर्शन को पैडिंग करता है जिससे कि हवा अंदर ना जाए। ये विंडो हमने फिक्स की हुई है जिससे कि आर्मी को सफोकेशन ना हो, जैसे इसको हमने फिक्स करके रखा हुआ। हमने जो फिटिंग की हुई है वो रिलायंस कॉटन इम्पोर्टेड है। ये इतना छोटा हो जाएगा, राइट जाएगा और छोटा हो तो इतना। ये हमने -20 पे टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। इसका वजन 1 kg 75 g है, जो कि मतलब 1.25 kg के आसपास हो जाता है। इतना छोटा कोई भी आराम से इसको कैरी कर सकता है।